थैंक यू। हाँ, हेलो लवली बबलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मैं आपको मेरा साड़ी दिखा देती हूँ। ऐसा है साड़ी पूरा, ये जमदानी वर्क है पूरे साड़ी में, आंचल में भी है पूरा। आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे है। ये जो साड़ी है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे उसके फर्स्ट इनकम से मुझे गिफ्ट किया था। और जिस दिन उसने उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे पूजा के लिए, मतलब पूजा दे रहे थे, तो उस दिन उसने मुझे गिफ्ट किया और बोला कि दीदी ये साड़ी तू पहनना पूजा के टाइम पे। तो आई कांट एक्सप्लेन कि मुझे कितना खुशी हुई थी उस दिन कि मेरे भाई ने मुझे उसके फर्स्ट इनकम से, मतलब क्या हुआ था, उसने पहले थोड़ी बहुत कुछ स्टार्ट किया था, उसके बाद अपना खुद का स्टार्ट किया था कुछ अलग से, तो उसी के पैसे से उसने दिया था। तो ये साड़ी है कुछ ऐसा, बहुत ही स्पेशल है। थैंक यू भाई। मैं आपको मेरे गोपू का राखी दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो ये है मेरी गोपू की राखी, और ये वाला है मेरे भाई की राखी, ये सबसे छोटे भाई की राखी जो अभी नहीं है हमारे साथ, भगवान के पास ही है तो सोचा भगवान को ही दे दूँ, वो उन तक पहुँचा देंगे। ये पोपट आपके लिए सोफा में रखती हूँ। पोपट? हाँ, मेरा राखी का क्यों पोपट? मुझे नहीं करके कर देना। मुझे तुम्हारा पोपट नहीं चाहिए। तो क्या दूँ? मुझे अच्छा कुछ गिफ्ट चाहिए। लहसुन को मैं छिलके से रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी के टाइम में काम आए, तो निकाल लेते हैं। क्या है? आग बंद करो। आग बंद करो? क्यों? हाँ, ये सरप्राइज है ना करके। अच्छा, किया? आग बंद कर। या टन टन। अरे वाह, हैप्पी रक्षाबंधन, ये मेरा गिफ्ट है। हाँ। वाह, सुपर। कलरफुल रेनबो। गुड इधर आ। थैंक यू। रख दो। चलो लहसुन को कूट लेते हैं। अदरक ऑलरेडी पिसा हुआ है, क्योंकि ये देखिए ऐसे मैं पीस के ऐसे छोटा छोटा करके मैं फ्रिज में, डीप फ्रिज में रख देती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है ना एक एक ऐसे निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट दे के पीस लूँगी तो एकदम महीन पीस जाएगी। आज सिर्फ मांस झोल और फ्राइड राइस, मटन करी और फ्राइड राइस।
चलिए अभी मैं साड़ी वाड़ी चेंज कर लेती हूँ और फिर खाना बना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। इधर आ जाओ। कौन सा हाथ में करना है? ये वाला। जितने बार पहनोगी उतने बार गिफ्ट देना होगा। जितने बार राखी पहनोगे उतने बार गिफ्ट देना होगा। दस क्या? ये इतना बड़ा गिफ्ट गलत। तेज पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी और हरी इलायची, जो छोटी इलायची होता है वो। आपके पास अगर बड़ी इलायची है, जायफल, जावित्री है तो वो भी आप डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं बस इतना ही डाल रही हूँ। साथ में जीरा, इसका जैसे ही अच्छा खुशबू आने लगे मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अभी डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये डाला गार्लिक पेस्ट, ये जिंजर पेस्ट, टमाटर, साथ में डालूंगी सारे ड्राई मसाले। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मटन जो है अच्छे से भून गया है। तो ये स्टेज पे आप थोड़े से पानी देके ढक के भी धीमे आंच में बहुत टाइम तक पका सकते हो, मतलब मटन सॉफ्ट होने तक, या फिर आप प्रेशर कुकर में डाल के भी 4-5 सीटी लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी मटन के ग्रेवी के लिए, क्योंकि इसमें ठंडा पानी नहीं देंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे।
किसने दिया अनीशा को ये ड्रेस? मोटू दादू ने दिया। तुम्हारी तरह मोटू है। पापा से पापा के इक्वल है वो। पापा की इक्वल है। हाँ। अच्छा, और दाग भी लगा लिया ड्रेस पे। हाँ, लग गई। अब मैं क्या करूं? खाना पीना हो गया, अभी मैं रेस्ट करूंगी। तो अनीशा का गिफ्ट तो खोलना हो गया, वैसे तो मेरा गिफ्ट भी मैं खोल लेती हूँ। भाई ने भेजा है, बहुत दिन हो गया भेज के, बट मैंने ये क्वारंटाइन करने रख दिया था। चलो खोल ही लेते हैं। न्यू बुक की खुशबू। वाह, थैंक यू भाई। तो बस ये ऑसम सा गिफ्ट के साथ मैं आज के राखी का ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, या लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़। तो आज की वीडियो को यही पेंट कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आज जो रात का वीडियो है ना, अभी तो शाम हो गया, वो उसमें सोचूंगी कुछ स्पेशल बनाने के लिए, उसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।